अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उड़नी माँ बेब उफ नहीं है, कि अपने पति की बेवफाई और अपने प्यार की रुसवाई का सबूत अपना घर से बाहर जाने देखी और तमाशा बनने देखी। बत्सरा जी के भी और हमरे भी होकर के रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यही से आपके लिए आसान कर देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बत्सरा जी के होकर के रहिए। नहीं कैसे कि हम आपको कहे थे ना, हमको आप पूरे के पूरे चाहिए जो आप हमको दे नहीं सकते, तो कम से कम बत्सरा जी के तो पूरे के पूरे हो जाइए ना। चिंता फिक्र मत करिए, आज से हम आपको घर आने के लिए नहीं कहेंगे, आज से आपको हमारी जिम्मेदारी लेने की भी जरूरत नहीं है। नहीं और आपसे प्यार का भीख नहीं मांगेंगे, कैसी भी प्यार ही क्या जो भीख में मिले, और अगर मांग भी लिए ना तो हमको पता है कि चाटो लच्छेदार बात बोल करके आप हमको उलझा देंगे और बेवकूफ बना देंगे, जो आप हमको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। पलम बेबर इकला हमरा, पलम बेबा निकला हमरा, किन किन के ख्वाहिशें बताई और बताई भी ऐसे जैसे मजबूरी हो उसकी। अरे बाबा नहीं किए आप तक खुद कविता लिखते हैं, खुद लेखक हैं। अरे पूर्णिमा की पहली कविता थी जी, पापा करते थे। हम बस यही चाहते थे कि थोड़ा आप हमें समझती, थोड़ा हम आपको समझते और आप हमें जाने देती। पर आपने तो एक ही पल में हमें अपने दिल से और इस घर से निकाल दिया। अब अगर किस्मत में ऐसे ही जाना लिखा है तो ठीक है,
हम ऐसे चले जाते। बस बहू रानी, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। बस बस रोना बंद कीजिए। कैसे चले जाओगे बेटा? हम क्या करें अम्मा, क्या करें? हम हमारी खुद की पत्नी हमें समझने को तैयार ही नहीं, हमारी पूर्णी माँ हमें समझने को तैयार ही नहीं अम्मा, और ऊपर से हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा है? अब रोने के अलावा हमारी जिंदगी में और क्या बचा है बाबूजी? जिंदगी भर ना हम इनके आने का इंतजार किए बाबूजी, आप तो जानते हैं ना, और हमको इतना नहीं का आदत पड़ गया है कि इनके घंटी बजाने के पहले ही हम दरवाजा खोल करके दरवाजा पर खड़े हो जाते हैं, खाली इनके आहट के एहसास से। और आज इन्हीं को, जिनको हम अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको घर से बाहर कर दिया। बहुत बहुत दुख हो रहा है बाबूजी, बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया घूम रहा है, हिल गया हमारा पूरा दुनिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, कुछ समझ में। पूर्णिमा को समझना चाहिए ना, हम दोनों को समझने की जरूरत है, हम समझे हैं ना, वत्सला के साथ प्यार करके हमने जो गलती की हमें समझ में आई है वो बात, और हम उस गलती का हल ही तो निकाल रहे हैं, हल ही निकाल रहे हैं, हम उस गलती का हल निकाल रहे हैं ताकि पूर्णिमा हमारे साथ हमारी जिंदगी में खुश रह सके और वत्सला अपनी जिंदगी में खुश रह सके। हम मानते हैं अम्मा, मानते हैं वत्सला से प्यार करके हम गलती किए थे, अब अगर प्यार किए हैं तो एकदम से अचानक से उसे अपनी जिंदगी से निकाल के ऐसे कचरे की तरह कैसे फेंक सकते हैं उसे, क्या करें? अरे उसकी जिंदगी की भी तो कश्ती को हमें कहीं अच्छा किनारा ढूंढ के लगाना जरूरी है ना, लेकिन हमारी पत्नी हमारा साथ देने को तैयार ही नहीं है, हमें समझने को तैयार ही नहीं है अम्मा। पूर्णिमा को नहीं छोड़ना चाहते, कैसे समझाओ उसे, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, बस हमारा साथ देके तो देखे, एक बार इसका हल निकला है ना, उसके बाद वत्सला से प्यार करने की गलती की पूर्णिमा हमें जितनी सजा देगी हम भुगतेंगे अम्मा, लेकिन वो समझने को तैयार ही थी। अब बताओ क्या सिर्फ हमारी गलती है इसमें? सब कुछ सही हो रहा था ना, हम जा रहे थे ना सब कुछ छोड़ के, वत्सला भी हमारी जिंदगी से जा रही थी ना, तो काहे धक्का दे दी वो, काहे वो सीढ़ियों से धक्का दे दी, हम खुद देखे अपनी आंखों से, तो आंखों देखा कैसे झुटला दे। पर मानते हैं, चलो मानते हैं, उस वक्त गुस्से में या प्रेम में या जलन में वो काबू नहीं कर पाई पूर्णिमा अपने आप को, उसने धक्का दे दिया, तो माफी मांग लेना अम्मा, हम भी तो अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, 100 बार मांगा, 1000 बार मांगा, 1,000,000 बार मांगा, मांगते रहेंगे हम, माफी मांगने में क्या जाता है हम, वो कायम माफी नहीं मांग सकती वत्सला से, बाबूजी ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में दिल में कुछ छुपा करके दबा करके चैन से रूठ करके बैठे हैं,
हम सब कुछ भूल करके ना इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बाकी एक के गुजित पकड़ के बैठे हैं कि हम बसरा जी से माफी मांग ले। कह के उनको तो यही लगता है ना कि हम बसरा जी को उस सीढ़ी से धक्का दिए जो हम नहीं दिए हैं। बाबू जी हम किसको जाके बोले कि हम धक्का नहीं दिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर घड़ी एक ही बात याद दिलाते, बसला से माफी मांगो, तुम सीढ़ी से गिराई। हम कैसे समझाते इनको कि हम नहीं गिराए हैं, वो औरत झूठ बोल रही है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।